फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन जैन। आज हम बात करेंगे BPCL के बारे में, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है और ये जो ऑयल कंपनीज हैं उनको अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर रिकवर ये स्टॉक हुए और जो गिरावट थी वो 30-40% के करीब थी जिसने उस टाइम पे लिया। आज वो सारे लोग जो है मुनाफे के अंदर है, लेकिन मेरे हिसाब से लोअर रेट्स पे लीजिए, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये एवरी ईयर डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती हैं, लेकिन लोअर रेट्स पे लेंगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन से भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अभी भी अगर आप देखेंगे मार्केट दोनों तरफ चल रहा है तो मौके काफ़ी मिलते हैं, तो लोअर 52 वीक लोअर के करीब अगर स्टॉक आता है तो थोड़े थोड़े करके लॉन्गर टर्म के लिए लीजिए, ताकि डिविडेंड से भी आपको मुनाफा मिले, प्लस ये फिर जो ग्रो करेगा उस टाइम आपको फिर अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो इसका अगर आप देखेंगे BPCL का, भारत पेट्रोलियम, इसका 351 के ऊपर क्लोजिंग थी, इसका 52 वीक लो 238 का है, जो कि जिस दिन गिरावट थी उसी दिन का सारी ऑयल कंपनीज डाउन थी, और हाई 421। तो अगर आपको लेना भी है तो थोड़ा नीचे 300-280 के करीब आने दीजिए, उस टाइम लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, और 80% का 8 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है और उसका रिकॉर्ड डेट क्या है उसी के बारे में जानेंगे, ताकि आपको भी आइडिया आ सके। और इसका अगर आप देखेंगे 76,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 190 मीन्स 19 रुपीज़ का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है। और इसका अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, तो मार्च क्वार्टर तक इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, तो जून क्वार्टर के आने बाकी हैं। तो अगर आपको लेना भी है तो सबसे पहले तो रिज़ल्ट आने दीजिए, क्योंकि डिविडेंड जो है उस वो आप एक्स डेट के पहले भी अगर आप लेंगे 2-3 दिन पहले तो भी आप एलिजिबल रह सकते हैं, लेकिन अगर और नीचे के लेवल पे मिलता है तो वो भी एक मौका अच्छा आपको मिलता है। और इसका अगर आप देखेंगे टोटल इनकम 75,000 करोड़ का था दिसंबर में, 80,000 करोड़, जो कि मार्च में घटा है। तो ऐसा ना हो कि जून क्वार्टर में भी थोड़े घट जाए, तो सबसे पहले तो आप फाइनेंशियल रिजल्ट देखना ज़रूरी है, उसी के बाद आप डिसाइड करिएगा। और इसका अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 3124 करोड़ का था और लास्ट क्वार्टर में 495, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दिया, लेकिन जून क्वार्टर में कैसे नतीजे आते हैं उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। अगर अच्छे नतीजे आए तो फिर ये 400 के तरफ बढ़ेगा, और मान लीजिए थोड़ा प्रेशर आता है फाइनेंशियल्स के ऊपर तो थोड़ा सा और नीचे 300 के करीब ये स्टॉक आपको दिखाई दे सकता है। तो मैं NSE के ऊपर लेके जाता हूँ, ताकि आपको आइडिया आ सके रिकॉर्ड डेट क्या है। तो ये आप देख सकते हैं NSE के ऊपर कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर मैं आया हूँ, और यहाँ पे 8 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। एक्स डेट 21 अगस्त है, और 23 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में बुक क्लोजर है, तो किसी भी दिन रिकॉर्ड डेट हो सकता है। तो आपको 21 तारीख के पहले लेने पड़ेंगे। मान लीजिए आप 18 तारीख को भी लेते हैं तो भी आप एलिजिबल रह सकते हैं डिविडेंड के लिए। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।